जय माता दी। आज मैं आपको एकदम झटपट चटनी बनाना बताती हूँ, कैसे झटपट चटनी बनती है। और ये उपास की ही चटनी है, उपास में हम इसको खा सकते हैं। रोज साबुदाना खा खा के अगर बोर हो गए हो तो हम इसमें उपास में ये चटनी बना सकते हैं मूंगफली की। इस तरह मूंगफली के कच्चे दानों को तवे में भूंज लीजिए अच्छी तरह से, इसको चटकने तक, जब तक ये चटक ना जाए। चटकने की आवाज आने लगेगी तो मूंगफली बंद कर दीजिए। जैसे अभी मेरी मूंगफली बहुत अच्छे से भूंज गई है अभी ये, अब मैं इसको एक कपड़े में निकाल लूंगी इसके छिलके निकालने के लिए। अब मैंने मूंगफली को एक कपड़े में निकाल दिया है, बहुत मूंगफली बहुत ज्यादा गर्म है। अब इसको मैं ऐसे कपड़े में ऐसे लपेट दूंगी इस तरह से इसको, और इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे पटकूंगी जिससे कि इसके छिलके जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। इसको खूब पिटाई करूंगी तो जल्दी जल्दी इसके छिलके निकल जाएंगे और हमको चटनी बनाने में आसान होगी। देखिए छिलके निकल गए हैं कितने सारे हैं, अभी ये बहुत सारे छिलके निकल गए। मूंगफली अभी भी गर्म है, इसको ठंडा होने दो। उसके बाद मैं इसको पीसूंगी मूंगफली को, इसको साफ कर लूंगी। इसमें जो कचड़ा निकला है इसके छिलकों का, वो हम देखिए देखिए कितना छिलका निकला है कचड़ा, इसको हम साफ कर लेंगे। इसके बाद मैं इसको ठंडा होने पर पीसूंगी। उपास में चलने वाली चटनी बनाने के लिए मैंने मूंगफली को भूंज लिया अच्छी तरह से। अब उसको साफ करके कटोरी में रख लिया है। इसके लिए हमको लगेगा थोड़ा सा जीरा, और ये थोड़ा सा 2 चम्मच मैंने दही लिया है, और ये 2 हरी मिर्च ली हुई है। अब मैं इनको, ये मेरे पास एक पुराना सेल है, अभी मैं इसको इसमें मूंगफली को कूटूंगी, फिर हमारी चटनी की तैयारी चालू होगी। इसमें अभी मैंने मूंगफली डाल ली है ये, और अगर आप जीरा भुनना चाहते तो भून सकते हैं। मैंने बिना भुना हुआ ये जीरा लिया है, और ये मिर्ची ली है सैगी वाली। अब मैं इसको कूटूंगी इस तरह से। मूंगफली को मैंने दरदरा पीस लिया है, अभी आप देख रहे थे। अभी मैं इसमें से थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाऊंगी। अरे दही है, दही में थोड़ा सा मैंने सेंधा नमक डाल दिया है। अब इस पेस्ट को मैं इसमें मिला दूंगी। ये देखिए झटपट चटनी तैयार हो गई। अब दही को मैं मिक्स कर दूंगी इसमें। ये उपास में हम इसको चटनी को बना के खा सकते हैं, इसको हम डोसे के साथ खा सकते हैं। डोसा बनाने का, उपास का डोसा किस तरह से बनाते हैं इसकी भी मैं रेसिपी आपको बता सकती हूँ। मगर अगर ये वीडियो मेरा पसंद आता है, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में उपास का डोसा बनाना आपको बताऊंगी। देखा आपने कितनी झटपट चटनी बन गई है। जय माता दी।